कुछ बोलना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं इस बार जो तीसरी बार मोदी की सरकार बनी है, अच्छा वो मैं विश्वास दिला रहा हूँ, मतलब और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छी चलेगी, ठीक है। 10 साल मोदी जी के, मोदी की सरकार, एनडीए सरकार सही पकड़े हैं। हाँ, एनडीए की सरकार पिछली बार तो 10 साल तो बढ़िया रही। अब कोई नहीं कह रहा मोदी सरकार, मैं कह रहा हूँ आगे जो अगला जो एनडीए का जो कार्यकाल रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा, और जो विकसित भारत का मोदी जी ने जो सपना देखा है उसे वो पूर्ण करेंगे। विपक्ष जो ये कॉन्स्टिट्यूशन दिखा करके कह रहा है कि बड़ा खतरा है संविधान का, तो ये क्या कर रहे हैं? एक बात बताइए, कल एक बहुत बड़ा क्या नाम काला दिन था, आपको भी पता है, 25 दिसंबर को जून, हाँ 25 जून को काला दिवस मनाया, ठीक है ना। अब ये वो दिखा देते हैं कि हम, वो दिखा देते हैं, तख्ती दिखा दी है कि हम संविधान हमसे ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ नहीं है। एनडीए पूरे 5 साल चलाएगा और बहुत ही बढ़िया सरकार चलेगी ये, और विकसित भारत की और हम जा रहे हैं, बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगा। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलते। हाँ जी, पिछला 10 साल भी सर बहुत अच्छा चला है, क्योंकि सर उसके पहले जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, डेली हम लोग मॉर्निंग में न्यूज़पेपर में पढ़ते थे, कभी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, तो कोयला घोटाला, तो ये तो पेपर भी बिक जाया करते थे। आज के डेट में अगर पेपर बिकते हैं एग्जाम के तो हम लोग दावा कर सकते हैं या उसका री एग्जाम होता था, पहले ऐसा सर कुछ नहीं होता था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और सबसे बड़ी बात है सर, 5 काम, 370 हटा, राम मंदिर बना। हम लोग सर, मैं फॉरेन में जॉब करता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं सर अबू धाबी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ सर। सर इंडिया का नाम लेने पे, मेरे साथ पाकिस्तान के भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, लेकिन इंडिया का नाम लेने पे सर बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, और कोई भी जो काम होता है सर प्रेफरेंस मिलता है। तो आप अबू धाबी छोड़ के अब इंडिया आने की सोच रहे हैं? नहीं अभी तो सर सोच नहीं रहे, लेकिन चूंकि वहीं पे सर जॉब कर रहे हैं तो यार इतना अच्छा हो गया तो अब तो छोड़ के आओ। इसका सर ये रीजन नहीं है कि मैं अपना देश को भूल रहा हूँ, और मैं इसलिए गया हूँ कि मैं बहुत दिनों से सर वहाँ पे हूँ। कब से? सर 6-7 साल हो गए। तो अब आपको लगता है कि जितनी नौकरी आपको, जो तनख्वाह वहाँ मिलती है, जैसा जीवन आप जीते हैं, इंडिया आएंगे तो वैसा मिलेगा? हाँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड है जो इंडिया में काम कर रहे हैं। एक मैं 2-3 लड़के थे जो हम लोग का गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हुआ था, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, लेकिन मेरे बहुत ऐसे फ्रेंड है जो यहाँ, जिनको बिना किसी घूस का, बिना टैलेंट पे जॉब लगाया कर रहे हैं, ऑफिसर हैं। मैं कब हो गया ये? अच्छा एक बात ये बताइए, ये जो संविधान के नाम पर जो अभी राजनीति हो रही है उस पर आप? ये सर टोटली रॉन्ग है ये, क्योंकि सर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी जिस किसी नेता ने भी बहुत विकास किया उसको हरा दिया गया है जाति के नाम पे। फॉर एग्जांपल गाजीपुर में मनोज सिन्हा ने बहुत विकास किया था, उनको विकास के नाम पे वोट नहीं देके उनको फाइनली हरा दिया गया। ऐसे अभी आरा में सर, आरा लोग बिहार में आरा एक संसदीय क्षेत्र है, आरके सिंह ने बहुत विकास किया, उनको हरा दिया गया सर। तो ऐसे सर आप बहुत सारा देखेंगे, लोग सिर्फ आकर बोलते हैं विकास विकास विकास, फाइनली जाति के नाम पे वोट देते हैं। अगर विकास के नाम पे दोगे तो कभी भी जातिवाद रहेगा ही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ये रियलिटी है सर। मोदी ने कभी भी, मोदी के एक भी दाग नहीं है उनके ऊपर, एक दाग नहीं है। और ऐसा सर हम लोग कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि अगर मोदी गवर्नमेंट में अगर कोई भी, चाहे उन्हीं का मंत्री क्यों ना हो, अगर चोरी करते पकड़े गए तो उनको जेल में ठूंसा जाएगा। ऐसा मैं एक आम पब्लिक हूँ सर, आई एम नॉट ए मेंबर ऑफ बीजेपी। एक बात बताओ, लेकिन मोदी सरकार तो नहीं, लेकिन एनडीए में तो जो लोग जेल में थे बाहर निकले वो मंत्री बन गए। सर इस विषय में सर मैं नहीं बता सकता, सारे लोग गंगा जमुना हो ऐसे, ये मुझे जानकारी नहीं है सर, लेकिन मुझे जो जानकारी है मैंने आपको बताया। भाई महाराष्ट्र में झागन भुजबल जेल में रहे थे, महाराज सदन का घोटाला, मुझे जानकारी नहीं है, मेरे क्षेत्र का जो जानकारी है मैंने सर आपको बताया। ये फंस गया सीएम,